गोल गोल और रसगुल्ले जैसी सॉफ्ट पकोड़े के साथ कढ़ी की सुपर टेस्टी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है। वजन के हिसाब से अगर मैं बेसन का माप बताऊँ तो 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। अब उसमें जाएगा 1 चम्मच दही, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही लेंगे जिससे कि ये घोल ज़्यादा पतला ना हो पाए। बस इसी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बेसन और मसाले बहुत अच्छे से घुल चुका है, बस इसी तरह का घोल आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आप इस तरह की गाढ़ी रखिएगा। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। फूलने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली हो जाएगी, इसीलिए इसका घोल जब भी बनाए थोड़ा सा गाढ़ा करके ही बना। जब तक ये फूल रहा है हम चलते हैं आगे के स्टेप में, जिसमें हम एक बाउल में 1 कप दही ले लेंगे यानी कि 200 ग्राम। अब इसमें जाएगा 4 चम्मच बेसन। बेसन ले लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार लें, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। यदि आप मेजरिंग कप के बजाय गिलास से पानी ले रहे हैं तो 1.5 गिलास आप पानी लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना हो। आप चाहे तो दाल को घोटने वाले घोटनी मथनी उससे भी अच्छे से इसे घोट सकते हैं, जिससे कि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाए, बेसन मसाले और पानी से भी अच्छे से घुल जाए। शुरुआत में मैंने जो घोल बनाकर तैयार किया था उसका तो हम पकौड़ा बनाएंगे, मगर इस घोल का क्या करेंगे वो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। बस इसी कंसिस्टेंसी में घोल बनाकर आप भी तैयार कर लीजिए और इसे ढककर साइड कर दीजिए। अब हम चलते हैं पहले वाले घोल के पास। अब हम उसमें ऐड कर देंगे 2 चुटकी मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब हम सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल की कंसिस्टेंसी को आप देख सकते हैं कि पहले हमने कितना गाढ़ा घोल बनाकर तैयार किया था। 15 से 20 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली हो गई है। इसीलिए आप भी घोल बनाकर जब तैयार करेंगे तो गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाले घोल ही बनाकर तैयार कीजिएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपके घोल भी इसी तरह से पतली हो जाएगी। तो मीठा सोडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं पकौड़े बनाने के लिए, जिसके लिए हमने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। बस इसी तरह के छोटे छोटे साइज में घोल को आप गर्मा गर्म तेल में डालते जाइए। इसी तरह से खिले खिले पकौड़े बनकर तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कि घोल ये तेल में जाने के बाद किस तरह से पकौड़े खिल रहे हैं। सेम तरीके से आप भी पकौड़े को बनाइए, आपके सारे पकौड़े भी खिले खिले ही बनकर तैयार होंगे। पकौड़ा एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे जिससे कि ये हर तरफ से एक जैसा ही फ्राई हो। एक बैच में पकौड़े को फ्राई करने में आपको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। तो पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा कलर हो गया है। इसी कलर में आपको भी पकोड़े को फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर या फिर नॉर्मल पेपर पे भी रख सकते हैं। बाकी के बचे हुए बैटर से हम सेम तरीके से सेकेंड बैच में पकौड़े फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से पकौड़े को बनाना बहुत ही आसान है। ये पकौड़ा आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। यदि आपको कढ़ी में प्याज वाले पकोड़े खाना पसंद है तो आप इसमें प्याज भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। सेकेंड बैच में भी पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर सेम प्लेट में रख लेंगे। पकोड़े तो अनविजिबल शेप में फ्राई हुआ है, मगर मैं पकोड़े को गोल गोल शेप में देने की एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। सारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, बस इस तरह से जो टेढ़े मेढ़े शेप निकला हुआ है आप इसे तोड़कर हटा लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से, बस इस तरह से आप इसे तोड़ते जाइए। इस तरह से पकोड़े को तोड़ने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो पकोड़ा गोल गोल शेप में हो जाएगा, ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से जो कढ़ी का जो ग्रेवी होता है ना, वो पकोड़े में बहुत अच्छे से कोट होगा, जिससे कि पकोड़ा बहुत अच्छे से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। और इस टूटे हुए भाग को आप इसे खा सकते हैं, ये आपको क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसी तरह से सारे पकोड़े के टेढ़े मेढ़े शेप को हम तोड़ लेंगे। इसे तोड़ लेने के बाद अब हम चलते हैं कढ़ी बनाने के फाइनल प्रोसेस में, जिसमें हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। अब उसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच जीरा, जीरा जैसे ही चटक जाएगा उसमें जाएगा 2 चुटकी हींग, 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 तेज़पत्ता जिसे हमने तोड़ लिया है, और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। जीरा लहसुन तेज़पत्ता मिर्च जब सभी चटक जाएगा
तो अब हमने जो घोल बनाकर तैयार किया था ना पतला सेप में रनिंग कंसिस्टेंसी वाला, इसे एक बार चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो बेसन बैठ गया है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। इसे इस तरह से चम्मच से हिला लेने के बाद यानी कि मिला लेने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे जिससे कि हमने जो इसमें बेसन ऐड किया है वो अच्छे से पक जाए। और जब बेसन अच्छे से पक जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होती जाएगी। एक बार इसे अच्छे से चला लीजिए और 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे उबाल लीजिए। कढ़ी बनाना बहुत ही आसान है, बस सारी तैयारी पहले से करके रखिए और फटाफट से कढ़ी बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत ही कम समय में स्वादिष्ट कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कढ़ी यहाँ पे बहुत अच्छे से उबल चुका है, एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे जिससे कि ये बेस में नहीं चिपके। अब हमने जो पकोड़े फ्राई करके रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। पकोड़े को कढ़ी में डाल लेने के बाद एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे जिससे कि सारे पकोड़े कढ़ी में बहुत अच्छे से डीप हो जाए। इसे चला लेने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि कढ़ी पकोड़े में अच्छे से कोट हो जाए, ये पकोड़ा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और अंदर से जूसी हो जाए। और जब ये ठंडा होगा ना तो इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे गाढ़ी होने लगेगी। जिस तरह की कंसिस्टेंसी आप अभी देख रहे हैं उससे गाढ़ी कंसिस्टेंसी कढ़ी की हो जाएगी, तब ये खाने में आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो अब हम इसे ढक देते हैं, 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसे वापस से चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ी की कंसिस्टेंसी 15 से 20 मिनट में ही कितना गाढ़ा हो चुका है और पकौड़े किस तरह से कढ़ी में अच्छे से कोट हो गया है। तो बस इसी तरह से आप भी कढ़ी पकौड़े को बनाकर देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पकौड़े को आप देख सकते हैं कि कढ़ी में जाने के बाद ये कितना गोल गोल दिखाई पड़ रहा है। पकोड़े आपसे भी अगर गोल गोल फ्राई नहीं होता है तो आप इसी तरह से पकोड़े को फ्राई कर लीजिए और टेढ़े मेढ़े सेब को तोड़कर इसे गोल कर लीजिए। जब ये पकोड़ा कढ़ी में जाएगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे तोड़कर गोल किया है। कढ़ी में अच्छा सा लुक लाने के लिए रेड चिल्ली पाउडर को थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर जिससे कि इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना सुझाव मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।